मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हां जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। तो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रसा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन ये चीज जरूर की सबका साथ सबका विकास, ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं जो लोग गरीब कल्याण का नारा देते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या उनका सामाजिक न्याय है? गरीबों की पेंशन को हड़प जाना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों के आवास की योजना को लागू न करना, क्या यही सामाजिक न्याय है उनका? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना मकान मिला था गरीबों को? 18,000 जी मिला नहीं था, सैंक्शन हुए थे जी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43,500,000 यानी 43,50,000 से अधिक आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों के बने हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति और अन्य गरीबों की आवास, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप कह रहे थे मुसलमान भी हैं, मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग बस में, तो हमारा नागरिक है भाई, क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए जी। शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। हम जहां बैठे हैं गोरखनाथ मंदिर में, नाथ संप्रदाय में, तो मुसलमानों से आप, बहुत मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं नाथ संप्रदाय से, और योगी और फकीर लोग तो साथ में बहुत, मैं इस परिसर में भी देखता हूं, इतनी दुकानें हैं मुसलमानों की हैं, तो आपको जब लोग मुसलमान विरोधी बताते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो लोग बहुत कुछ विरोधी बोलते हैं, और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है, तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं। प्लीज लाइक एंड सभी वही सच्चाई होगी होता है, इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ, ये सब हमें पाना है जी। और यही हम लोगों की उपलब्धि भी है सेवा की। लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं, और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्सर सर लागू करेंगे। योगी जी, अगर थोड़ा सा वोट शेयर की ओर एक नजर डालें, तो पिछली बार जब आप लोग 2017 में प्रचंड बहुमत से जीते थे, तो आपका वोट शेयर 40% के ऊपर था। बीएसपी, एसपी, ये 20-22%, इन दोनों का अपना आपस में अलग अलग था, दोनों को अलग अलग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ था उस बार, पिछली बार, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया था।
इस बार फाइट थोड़ी टू वे है, बीएसपी की ज्यादा सुनाई की बात ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है, मायावती जी अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या आपको लगता है कि जो और वोट बैंक छोटे मोटे इनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि राजभर हो गए, जाट हो गए, तो ये सब मिलजुल कर, मुस्लिम यादव पहले से समाजवादी पार्टी के संग रहा है, ये सब मिलजुल कर कुछ इस बार एक फाइट दे सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक जो आप लोगों का विश्लेषण है कितना सच होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो गठबंधन 2022 में बना है इससे बड़ा गठबंधन 2019 में बन चुका है। और उस समय भी लोग ये मानते थे कि बीजेपी 15 से 20 सीट पाएगी, एसपी 30 से 35 सीट पाएगी, बीएसपी 25 के आसपास सीट पा जाएगी, 20 से 25 सीट पाएगी। ये सब आंकड़े होते थे ना, हुआ क्या? बीजेपी 64 सीट पाई, बीएसपी सेकंड पोल की 10 सीट पाई, एसपी थर्ड पे थी। आप ही मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है इससे बड़ा गठबंधन 19 का था, ये सभी दल तब भी एक थे। उसका कोई असर नहीं होना है, अब ये गठबंधन से ऊपर उठ चुका है चुनाव। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने दीजिए ना, इलेक्शन सुनामी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस बार साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता, और जो बयान है 2013 2014 और केराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता, और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है, मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण हो। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते, जो लोग सामाजिक व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हो, भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। फिर जिन चरित्र को लोग देख चुके हैं, लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी,